भाई मेरे को हसल करना है भाई एंड्रू टेट देखता हूँ भाई मैं बिगेस्ट <laughs> रेड फ्लैग एक लड़की के लिए आई एम अ हसलर वीरे काश काश मैं बेटी होता भाई काश माँ बाप से पूछता है आपका बेटा क्या करता है जिम करता है बस हाँ क्या मतलब उठाता है <laughs> मतलब सिलेंडर <laughs> और आगे जाके कर्जे <laughs>

ठीक है कुछ लोगों की कॉमेडी होती है उसको देख के हंसी आ जाती है यू नो you know, वो रिलेटेबल होती है लोग yeah, हंसते हैं yeah. बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आपकी कॉमेडी हसाती है शायद कुछ लोगों को बट वो ज्यादा अनकंफर्टेबल करती है आई कॉल माई कॉमेडी इज डार्क कॉमेडी वो बस <laughs> मतलब इट्स इट्स जस्ट स्टूपर्ड तुम उसको देखते हो लाइक डूइंग दिस क्या दैट मतलब बट फॉर मी लाइक कॉमेडी इज जस्ट लाइक ये मेरे को अगर कोई चीज फनी लग रही है आई जस्ट से इट दैट्स ऑल इंस्पिरेशन कहां से आई क्योंकि आपका कंटेंट मतलब एक तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है राइट right? एक बार देख के ऐसा लगता है कि यार मतलब समझ आ रही हो वाली चीज ये आदमी पागल पन... है <laughs> <laughs> पागल नहीं है काफी बोल्ड है आई थिंक <laughs> क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो yeah. लोग शायद सोचते हैं या yeah. डर नहीं लगता आई फील इज लाइक की ट्रोलिंग इज लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस थिंग मतलब इफ यू आर पुटिंग पुटिंग योरसेल्फ आउट तो ऑफकोर्सो लोगों का भी हक है उसके ऊपर कुछ करने का अगर mm -hmm. नहीं होता तो फिर तुम

ये चीज आई मेरे दिमाग में अच्छा अब ये आया लेट्स कनेक्टेड ओ वाह नाइस तो आई डो, डोंट केयर मतलब कि मतलब अगर मैं देख लेता हूं ना कि कोई मेरे सामने स्ट्रक्चर बना रहा है मैं रूट जाता हूँ आई कैन नॉट आई कैन नॉट डील आपको नेचुरल पसंद है जो आगे yeah, आ, आ गया, आ गया। काफी क्वेश्चनेबल चीजें आती है वैसे कभी कभी आपको आई मीन दैट्स इट भाई मतलब दैट्स दैट्स मी आई गेस हां एंड ये अच्छी चीज भी है बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे यू बीइंग रिकॉग्नाइज्ड राइट किसी ना किसी चीज के लिए तो लोग पकड़ रहे हैं यार बाकी सब ये करते सेफ खेलते हैं बट yeah. ये एक अकेला ऐसा बंदा है जो एक्चुअली yeah. Actually में कुछ भी बोल रहा है और कर रहा है लोग तो हैं सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को डर लगता है बिकॉज <laughs> <Because, laughs> देखो द थिंग इज कि मतलब आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अटेंशन इतना ज़्यादा मेरे को ना आदत नहीं है इतना ज़्यादा अटेंशन की क्योंकि मैं ये चीज़ें ऐसे ही कर देता था किसी चीज़ को कोई चीज़ फट गई किसी चीज़ को अच्छा लगा किसी को अच्छा mm -hmm. लगा एंड दे शेयर इट ओके बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मतलब उसके बाहर किसी ने बोला ओ दैट्स अर्पित बाला ही एक्ट्स रिकॉर्डेड कभी नहीं ऐसा बोला था बट नाउ इट्स लाइक दैट कि मतलब मैं बाहर जाता हूँ और लोग बोलते हैं <laughs> ऐसे ऐसे होने लग जाता है मतलब आई एम नॉट यूज टू इट आई एम नॉट सेइंग कि मतलब वो नहीं होना चाहिए आई आई एम एम नॉट नॉट जस्ट जस्ट टू इट धीरे धीरे करके वो हो रहा है वो शायद आ जाएगा. जा, आ जाएगा जाएगा एक्सेप्टेंस एंड एवरीथिंग ये सब तो नहीं आई है मतलब hmm. कहीं ना कहीं आई एम स्टिल एम्बेस्ड एंड शाय अबाउट इट बिकॉज आई कैन नॉट मैं अपने सीधे मुंह से अपने मां बाप को नहीं दिखा सकता <laughs> है कि पापा ये देखो ये था मेरा जोक एंड देन एक्सप्लेनिंग इट टू हिम नहीं आई कैन नॉट डू इट बट हां विद माय म्यूजिक आई देर वॉज एन अटेम्प्ट बट आल्सो फिर वो म्यूजिक में भी वो चीज आने लग गई hmm, तो तो वो लग, पूरा ओवरलैप yeah. होने लग गया अब दिखाने को बचा yeah, क्या है मेरे पास बचा ही कुछ नहीं है मतलब यार डिग्री <laughs> लॉ <लौ> की पर ये ट्रांजिशन कैसे हुआ कि मतलब लॉ की डिग्री लॉ पर्स्यू किया yeah. लॉ की डिग्री पढ़ ली yeah. और उसको खत्म करते ही अब मैं कंटेंट में इट वाज नॉट कि मेरे को खत्म होते ही मेरे को करना था सो आई आई एम गुड फ्रेंड्स विद कैरी मीनाटी तो व्हाट हैपेंड वाज 2015 16

हु डिड नॉट फॉलो एनी एल्गोरिदम उस टाइम पर कोई एलगोरिदम नाम की कोई चीज़ नहीं थी करा तो जा सकता है तो ही लेट डाउन ब्लू प्रिंट फॉर मी की मतलब वो जो होता है ना कि क्या क्या चीज़ें करनी है क्या क्या चीज़ें नहीं करनी तो आई जस्ट फॉलो दैट तो लॉ स्कूल के साइड बाई सा तो मैं बनाता ही रहता था बट द थिंग वॉज कि जैसी ट्वेंटी ट्वेंटी आया कोविड आया ज पूरा ऑनलाइन हो गया था कैंसिल हो गए थे इन लॉ स्कूल जैसे एग्जाम खत्म होते थे हमारे को दो मंथ का एक ब्रेक मिलता था जिसके अंदर मैं स्केचेस बनाता था पूरी वीडियो बनाता था यूज टू राइट पूरे दो महीने उसमें चले गए इंटर्नशिप नकली फर्जी इंटर्नशिप क्या फर्जी सिफारिश <laughs>

यू हैव अयर आफ्टर कॉलेज डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड ये उन्होंने मेरे को थर्ड ईयर में ही बोल दिया था तो आई हैड टू वर्क वेरी जो होता ना स्विफ्टली एंड वेरी टैक्टफुली एंड आई मेड कनेक्शन मतलब छोटी छोटी वीडियोज थे उसके थ्रू एंड एवरी थिंग आई मेड कनेक्शन यूट्यूब और पूरे सर्कल में फिल दें म्यूजिको हैुड से लकीली जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ उसके छः महीने बाद आई वॉज लाइक सेटल्ड बिकॉज आई आईड सो मच ऑफ कॉन्टेंट जो मैंने ऐसी फ्री में डाल दिया yeah, था ऑलरेडी हाँ, हाँ. तो आई आईड लाइक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस लाइक दिस इज नाइस लॉ स्कूल का तो ये था कि आई अटेंडेड लाइक टू इंटर्नशिप्स एक कॉर्पोरेट और एक कॉर्पोरेट में तो आई वॉज जस्ट सैड लोग दो बजे आ रहे हैं बैठे हुए हैं हाँ और हम सारे जूनियर्स पहले ही रेडी हैं सर एक्चुअली hmm, hmm, मैंने आर्टिकल hmm. लिख दिया अच्छा अच्छा ठीक है <laughs> और उसके बाद मैं गया

They have, that have always depended on merit. Hmm. कि मतलब अगर कुछ करना है तो they have only seen one one way through life. सीधे रास्ते से जाना है पढ़ाई करो, हाँ. get a master's degree. It is fixed ये 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 कर लो and I I have to tip my hat off hmm, for them because, to them because it worked. <laughs> it kind of works, you yeah. know. Yeah. कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं ये rat race and everything. Bro hmm. ये भी rat race जिसमें हो <laughs> but at least that rat race works. <laughs> तो मेरे को कोई वो नहीं था कि मतलब कि वो समझ नहीं रहे and everything. Hmm. आई लाइक यू नो इट वॉज अ बैलेंस एक पॉइंट के बाद मतलब उनको भी समझाना पड़ा मेरे को कि मतलब हाँ वट एवर आई एम डूइंग आई एम डूइंग देखो ये आई आई विल मेक इट वर्क एक पॉइंट के बाद शायद से पापा ना मतलब समझ ही गए कि मतलब ये नहीं बदलने वाला ये तो मतलब वही गया अब ये क्या ही बोलूं अब मैं एक तो इंडियन फादर्स का अपने बच्चों के साथ मतलब अपने सन्स के साथ इतना वियर्ड रिलेशनशिप होता है जैसे लड़कियों को क्या होता है लड़कियां ना रानी बेटी टाइप एक वो yeah. बन जाती है उनके I, 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 मैं काश <laughs> काश मैं बेटी होता भाई काश <laughs> माय डैड कर का मुंडू है तू ये करेगा तू ये लाके yeah. देगा yeah. बहन को यहाँ पे जाना तो उसका बॉडी गार्ड बन के जाएगा yeah. उसको यहाँ ड्रॉप करना तो ऐसे करेगा वैसे करेगा उन लोगों को ना वो अफेक्शन नहीं शायद मेरे को लगता है कि प्यार है बट वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्यार है जो एक बाप अपने बेटे को दिखाता है इंडियन डैड जो होता है वो अफेक्शन तभी दिखाता है अपने बेटे को जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे आता है तब आई फील लाइक इंडियन डैड्स दे शो अप व्हेन इट रियली लाइक कम मैटर्स हां लाइक एंड वो ना मतलब फिर एक अहमियत पता चलती है कि मतलब हां भाई अब अभी हुँ. कुछ बोला है ना इसने मतलब पापा ने कुछ बोला है तो उसका मतलब कुछ है यहां पे मतलब तो फिर हर हर दूसरे मिनट में आगे बोल देगा फिर तो वो मम्मी की बात लगेगी <laughs> बस आगे बोल देती है कुछ भी <laughs> तो, तो वो वो जो ग्रेविटास होता है ना एक फादर वाली अथॉरिटी वाली में तो वो अच्छा लगता है मेरे को आई एम नॉट कि मम्मी कुछ भी बोलती है फालतू बोल रही है ठीक है और I'm saying मम्मी कि, को कितना बुरा स्टीरियो <laughs> <laughs> चलो ठीक है पापा की तो बड़ाई आपने कर दी है आके yeah. बोलते हैं बट बढ़िया बोलते हैं और मम्मी को आपने बहुत ही गंदा स्टीरियोटाइप no, कर दिया स्टीरियोटाइप मदर की मतलब की वो जब भी आती तो क्या क्या लगता है अगर कोई बार बार ही तुम्हारे को बोलता रहता है फिर बस बोलता रहता है नहीं ये भी गलत है वो भी सही है हर चीज में टिप्पणी देनी हर चीज में ओपिनियन देना तो ऑफकोर्स उस बंदे को लेके आप बोलोगे यार ये तो हर चीज पे बोल ही देता है तो इट्स लाइक like कि मतलब सुने या ना सुने क्या ही फर्क पड़ता है ठीक है तो ये चीज आ जाती है यही तो दिक्कत होती है ना गुड गुटकॉप बैड कॉप खेलते हैं बैड कॉप पापा आते हैं तो जब वो एक बार ही बोलते हैं चप्पल उठा के अपने हाथ में तो फिर बात समझ आ जाती है पापा अच्छे से भी बोलेंगे तो ठीक है भाई ठीक है भाई For, uh, मेरी जो इक्वेशन मेरी मदर के साथ है आई थिंक हर बंदे के साथ में यही होता है कि मतलब, like कि मतलब attachment, attachment, hmm. mother, कि मतलब इट्स मोर लाइक वो वाला अटैचमेंट अटैचमेंट योर मदर आप ये सारी चीजें होती है, मतलब, <laughs> your mother, को ऐसे लगता है कि सत्रह अठारह साल के जो लड़के होते हैं ना उनकी लाइफ की स्ट्रगल के बारे में तो क्यों क्योंकि हार्मोन सबसे ज्यादा तबरेज कर रहे होते हैं ठीक है चीजों चीजें चाहिए ही तब होती हैं तो मैं

औकात नहीं है इतना सब कुछ करने की आई एम नॉट मैं नहीं अं कोई टाटा फैमिली से एंड देन धीरे धीरे करके ना आई फील लाइक अ बॉय आफ्टर सेवनटीन ही जस्ट स्लोली एंड स्लोली हम गेट्स हम्बल्ड ओके सेवनटीन एटीन पे हर लड़के को लगता है क्या वै कर लेंगे भाई है जो है धीरे हाँ। धीरे कर करके कर जैसी जैसी हेयरलाइन पीछे होती रहती है उस बंदे की वो ऐसे हाँ भाई मतलब चल ही रहा है कर ही लेंगे कुछ कट रहा है कट रहा है, चल रहा है फिर पच्चीस छब्बीस में आके थोड़ा सा ना एक वो पता चलता है कि हाँ दिस इज मी यहाँ से हम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं वो तो आई थिंक वो होता ही है क्योंकि हमारा स्कूल सिस्टम स्कूल मतलब आई वुड से 17 18 तक ना हम लोग बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स में रहते हाँ, हैं स्कूल हाँ, फैमिली हाँ, सेफ होता है कॉलेजेस आल्सो 22 23 की मतलब तुम्हारे को कुछ नहीं करना है ये ये करना है बट व्हेन यू आर 23 22 24 ईयर फ्रेश आउट ऑफ द कॉलेज एंड द वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स यू टू जस्ट बी लाइक योर 35 हाँ. एंड यू <laughs> तो तुम्हारे को पता चलता है जो तुम्हारे दिमाग में जैसे पास तो गाड़ी आ जाएगी बट मोस्ट गे जस्ट स्लोली एंड स्लोली एक्सेप्ट हाँ नहीं है बट कुछ लोग उसको ना इगो में ले देते हैं चाहिए चाहिए फिर ना वो करते भाई मेरे को हासिल करना है भाई एंड रूटेट देखता हूँ भाई क्या जूते तेरे को चाहिए ये वाले जूते दिला दूंगा <laughs> <laughs> हाँ भाई ये सब तो ये सब होता रहता है 17, 18 में ही तुमने देखा होगा सबसे ज्यादा ये रीसेलिंग है हा, हा, हा। हर लड़के को लगता है हर और, लड़के को जो चीज स्कूल चल रही है वो तो करना ही करना है एंड मेरे को लगता है सबसे ज्यादा घटिया करियर चॉइसेस भी इसी एज में बनते हैं एक तो ये सत्रह अठारह साल में उनको ये लगता है भाई बॉडी बना ली ना कुछ तो कर रहे हैं भाई हम बॉडी बना ली कुछ कर रहे हैं और उनके माँ बाप से पूछता है आपका बेटा क्या करता है जिम करता है बस हाँ क्या मतलब उठाता है <laughs> मतलब सिलेंडर <laughs>

छब्बीस इंच के डोले मतलब, का क्या करोगे कि मतलब देर शुड बी सम वैल्यू एडिशन कि मतलब तुम कुछ कर रहे हो कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब तुम भले ही तुम पीटी दे रहे हो hmm. भले ही तुम बट डोंट बी दैट गाय कि मतलब टैटूज बनवा लिए बॉडी बना ली दैट्स ऑल बिकॉज वन डे और दी अदर वो चीज तुम्हारे हाथ से चली जाएगी बिल्कुल

बट यार है प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़कों की मेली हुआ प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी जल्दी, इतनी जल्दी छोटी-छोटी बातों पे ट्रिगर हो जाती है ना कि कि लगता है भाई इस बंदे की मेली को संभाले ईगो टू सरवाइव नहीं तो उसका ना दिमाग भनना जाता है उसके दिमाग में सायरन बजने लग जाते hmm. हैं कि फक, ये, क्या हो रहा, ये क्या हो रहा है हल्का सा हम्म हल्का सा सिनिसिज्म जो होता है hmm. ना पैरानोइड <laughs> ये आपने देखा होगा ये मतलब सारे अल्फा मेल्स में ये होता है hmm. और वही इनके तो इट इट हीरो वॉट नीडेड इन अ अट्रियॉर्कल सोसाइटी टू बी अ मैन मैन इट इज हाउ शिट इज आई एम नॉट से मतलब ऐसा होना चाहिए आई एम जस्ट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नॉट नॉर्मेटिव कि दिस इज हाउ इट इज

ट नो हाउ टू कम्युनिकेट एन एवरी थिंग कुछ भी दिक्कत आती है इट बाउंसेज बैक ऑन द रिलेशनशिप हर बंदी के ऊपर वो पता ही चलता है कि हाँ फिर बंदियां मुझे बोलती हैं ना येस ऑल मैन एंड एवरी थिंग मेरे को लगता है हाँ इट्स ट्रू ट्रू बिकॉज हमारे को नहीं पता oh. कैसे प्रोसेस करना एंड एवरी थिंग एंड जो मैंटल हेल्थ को लेकर जो स्टिग्मा एंड एवरी थिंग मैन में बड़ा अजीब तरीके का है कि मतलब दे वॉन्ट टू गो फॉर थेरेपी एंड शिट लाइक दैट बट दे बट उनको शर्म उनको लगता है नहीं नॉट इवन उनको ऐसा लगता है नहीं भाई संभाल लेंगे hmm. एक और हफ्ता काट लेंगे कर लेंगे तो वो वो क्या होता है वो एक डरना इट्स मोस्टली लाइक कि not नहीं भाई मैं संभाल लूंगा आई कैन पुश आर्डर कर सकता हूँ हर चीज को ना ऐसे लेना कि मतलब नहीं भाई कर लेंगे

एक एक लेवल ऑफ़ डिस्टेंस हमेशा रहना चाहिए। फेल्ड फेल्ड रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स मेक 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 मैन। पीपल। ज इज प्रिविलेज फ्लेक्स इज अ फ्लेक्स दैट यू बीन हंबल्ड बाय सो मेनी वीमेन कि तुम्हारी ये गलती है वो गलती है ये गलती है एंड एट 27 तुम एक दिन उठते हो डैम वो जो ट्वेल्थ में उसने <laughs> बोला था वो सच कहा था yeah. उसके बाद फर्स्ट ईयर में तुम्हारे एक दिन याद आता था है था, उसने भी ये था। hmm. तुम अपनी ईगो से ना हर चीज को नेगेटिवली छुपा नहीं सकते बहुत तक। like में जो जाते जाते बिल्कुल सच बोल के जाती <laughs> है ना आदमी को तू ये भी है तू जो बोलता है ना तू इमोशंस नहीं दिखाता तू दिखाता है बहुत <laughs> <laughs> गंदे तरीके से दिखाता है बट आई थिंक वो बहुत हेल्प करता है वो एक बहुत बड़ा रियालिटी चेक देता है मर्द को बट श्योर शोर्ट साइन ऑफ अ गुड रिलेशनशिप इज की अनकंडीशनिटी वाली जो चीज होती है ना कि कि और वो वो यार आपस में वो सेफ स्पेस है है yeah, yeah, yeah. मैं कुछ कुछ भी भी बोल सकता yeah. भी बोल सकता तू सकती बट उस चीज के आने के लिए ना यू नॉट डू दिस ओवरनाइट या फिर रिलेशनशिप में आके एकदम से यू हैव टू बी इन दैट विद योरसेल्फ फर्स्ट कि हाँ कि अगर मैं किसी और के साथ में जाऊंगा तो मैं पूरे टाइम नेगेटिव सोच रहा हूं हाँ, कि हाँ, हाँ, इसने ये बोला तो उसको मतलब ये होगा ये मेरे साथ बहुत होता है भाई मैं अच्छा ये बोला ना ओ हम्म ठीक है भाई अब मैं देखता हूँ मैं साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा दो दिन तक एंड शी ड नो वट है वो सोच रही है

I want to feel like a man. तो hmm. मतलब you know don't treat me like a kid. I'm hmm. a man. तो hmm. अपनी girlfriend को मतलब वो अपनी girlfriend की आँखों में ना वैसे नहीं दिखना चाहते कि that कि वो उसके baby हैं। हाँ, उनको ये respect हाँ but कहीं ना कहीं they also because they have issues with their mother तो <laughs> they're conflicted कि उनको वो वाली चीज भी चाहिए कि she needs to be understanding also Haan. but they they don't know jack shit. It's hmm. like कैसे समझाऊँ? It's like a तुम एक pitbull को पाल रहे हो तुम्हारे को पता नहीं है कब काटेगा क्यों काट रहा है बट वो पास भी आ रहा है तो वो होता है एंड आई फील आई कि मैन यू नीड टू बी सिक्योर फर्स्ट कि मतलब आई डोंट नीड रीअश्योरेंस फ्रॉम माई गर्ल फ्रेंड और फ्रॉम दिस पर्सन टू बी लाइक यू नो हैप्पी विद है मैं अगर ये गाना बना दूंगा ये काम कर लूंगा मेरे को मेरे गोल सेट है मेरे को आगे जाके क्या करना है अगर मेरी बंदी आगे मेरे को बोल रही है ना ये बेकार लग रहा है फिर ऐसे मैं बोलता अच्छा ओके ठीक है फाइन कुछ लड़के हैंडल नहीं कर पाते हैं उनको बोल लगता है हाँ, बोल कैसे हाँ। दिया तू जानती नहीं है फिर यू नीड टू बी सिक्योर योर सेल्फ फर्स्ट आई फील लाइक द परफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट जब मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के सारे रोल्स जेंडर रोल्स हट जाते हैं वंस दे आर सेवेंटी फाइव once they're seven जब फर्क नहीं पड़ता हाँ once, हाँ I'm telling you bro the best relationships that I have seen हाँ. जिसके अंदर all goes in मतलब वो कुछ भी बोल रहे हैं कांजरी कुत्ती <laughs> ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं दादा दादी एक दूसरे को and अगले दिन मैं तो बहुत प्यार करती थी उनसे बहुत ऐसे अजीब से लगते हैं इज्जत भी दे रहे हैं ना हाँ, हाँ, हाँ. दादा जाके पैर दबा रहे हैं हाँ. दादी के तो मेरे को लगता है कि वो जो जेंडर रोल्स एंड एवरीथिंग वो जो आता है ना वो सोसाइटी सोसाइटल प्रेशर्स एंड एवरीथिंग उसकी वजह से भी आता ही yeah. है वंस योर लाइक सेवेंटी एंड योर लाइक प्राइमल कि मतलब यू डोंट केयर कि आस पास क्या है यू जस्ट वर्किंग ऑन योर एंड इंस्टिंग इट्स प्रेटी नॉर्मल इतना ज्यादा कुछ नहीं होता कि मतलब तब तो,

कि इंग्लिश hmm. बोलनी नहीं आती है या ठीक से नहीं बोलनी आती है फिर वो स्लैंग यूज करना नहीं आता तो तुम अनकूल हो ठीक hmm. है और ऐसे बहुत सारे लड़कियाँ जिनके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट सडनली उनको वाला जो चीज प्रेशर लगती है कि पहले दस दिक्कत थी लड़कियों को अप्रोच करने के लिए दस और दिक्कत और ये ग्यारहवीं एक और आ गई है सो डज दैट इज वो भी एक प्रेशर है लड़कों hmm. के ऊपर आई फील लाइक इफ इंग्लिश इज द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स इट इज लेस अबाउट इंग्लिश एंड मोर अबाउट

इट इज नीडेड इट इज नीडेड कि मतलब आप वेल well वर्स्ड हो इंग्लिश में बट नॉट टू गो डाउन दट रेबिट होल जस्ट टू यू नोस इम्प्रेस क्लास बैरियर इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे वो uh, उन सब के लिए बहुत ज्यादा कॉमरेड लाल सलाम गाय <guys>. बहुत <laughs> 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 सारी चीजें लगती है एंड आई वु की इंग्लिश एंड एवरी थिंग दिस इज अम दिस इज आई वु एक बहुत

एंड यू नेवर गेट इन लोगों को ना एक दूसरे का हिलाने में मजा आता है और कुछ नहीं ये पूरी की, पूरी की क्लास यही है है मतलब वो जो होता ना कि हम हम सारे बस बस एक ही हैं लोगों को और कुछ नहीं करना हम लोग बस साथ में बैठेंगे और भाई पूरी दुनिया का मजाक उड़ाएंगे दो तरह के लड़के होते हैं ठीक है लड़के, के में दो तरह के लड़के होते हैं ठीक है yeah. एक्चुअली तीन तरह के लड़के होते हैं एक तो जो वो जानती हैं है। होते हैं भाई, बीस होते हैं मैं तो कह रहा हूँ भाई सौ पार होते हैं भाई चाहे कोई भी बंदी हो मैं तो कसम से कह रहा हूँ किसी बंदे को ट्रॉमा अगर चाहिए अपनी अपनी बंदी का रिक्वेस्ट खोल भाई सोचेगा उस भाई उसको पहले तो ये लगेगा इसको इतना टेंशन क्यों मिल रहा है इतना तो सारी चीजें जो लड़की को लड़के अपने बॉयफ्रेंड से चाहिए होती है उसको रिक्वेस्ट सेक्शन में दे रहा है भाई लड़का रैंडम लड़का दे रहा है गॉडस बुला रहा है यार उसको आ, मैं तो बोलता हूँ जा ले ले <laughs> ले ले जा जाओ गो बट आई टू टॉक अबाउट Uh, कि वो जो लड़के ठीक है जो पूरे टाइम लड़की को हाय 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 हेलो हेलो हाय क्यूटी हेलो हाँ, हाँ, लेट्स डू फ्रेंडशिप yeah. ठीक है ये सारे मैसेजेस भेजते हैं yeah. हम लड़कियां उनका स्क्रीनशॉट लेके शेयर तो कर देती हैं मजाग और मजाक भी उड़ा लेती yeah. हैं ठीक है क्योंकि हम और क्या ही करेंगे yeah. ना क्योंकि हमें नहीं समझ आता कि उसके पीछे की साइकी क्या थी क्या जेन्युनली किसी लड़की को ऐसा लगता है कि मैं पचास बार रेगुलरली इसको हाय बोलूंगा तो जाके मेरे को जरूरी तो मेरे प्यार में गिर नहीं अच्छा Okay. शायद उसने नहीं पढ़ा भाई। उसको hmm. just... may, उसको ये लगता है है। इस औरत का दिल बहुत बड़ा ah. शायद से आज पढ़ लेगी उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, कि तौर पे हाय बट ah. hmm. नहीं कुछ लोगों को आई फील बहुत सारे मेन को ऐसा फील होता है कि that, they are a conversation. Hmm. कि भाई अगर मैं किसी के साथ इनिशिएट कर रहा हूँ तो

कुछ होते हैं अच्छा कुछ लड़के होते हैं वो बहुत डिसेंट हाँ, ब्यूटीफुल और ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स वाले मैसेजेस करते हैं उनके लिए कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ इनको शायद कोई बेटर वे आती ही ना हो उनके लिए शायद यही एक तरीका हो कि डीएम है और एक्सेस है तो स्लाइड कर दो बट बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं भाई नेक्स्ट थिंग एक दिन हाई दूसरे दिन डिक गाली गाली या डिक पिक दोनों में से कुछ भी आई फील लाइक लाइक ट्रीट डिक पिक्स मतलब ओ भाई भाई ये तो देख के पड़ जाएगी मतलब क्यों यारही वही वही चीज उन्हें दे 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 थिंक दैट आर समथिंग जस्ट बिकॉज़ उनके दिमाग में आता है अब तुम्हारी बारी <laughs> मैंने लिखा ब्यूटीफुल और डिक पे uh, बहुत बढ़िया भाई वेरी गुड मेक माय ट्रिप डॉट कॉम वेरी गुड भाई गुड फॉर यू बट आई वुड से ये जो लड़के वो जो साइकी होती है ना वो यही होती है दैट दे दे फील कि मतलब हां भाई मगर मैंने किया है आई इट विल बी रेसिप्रोकेटेड क्योंकि उनको उनको किसी ने नो ही नहीं बोला ना आज mm. तक दे आर नॉट यूज टू द फैक्ट कि दे माइट बी रिजेक्टेड और दे डोंट हैंडल रिजेक्शन वेल जैसे मैं हूं आई डोंट हैंडल रिजेक्शन वेल सो आई डू नॉट इंगेज विदेज आई डू नॉट आई नेवर मेक द फर्स्ट मूव आई नेवर आई हैज हर्ट मी

Guess the Gen Z slang. Okay. And as direct as it is, you have to guess yeah. the Gen Z slang. Yeah. Okay. First word is bougie. Bougie? A bourgeois, bro. <laughs> like rich, I guess. Huh, kind she of. Acts rich, pretentious rich, and everything. Fancy, like fancy. Huh, whatever. Okay. Drip. Drip is like, uh, I would say, streetwear slash, uh, like streetwear meets pretentiousness so pretentiousness is the common element here yeah, yeah. in in the entire gen z slang Actually, no, 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 no. let hold up pause i would say i a drip hai, it's like Bhai, hum aise hai. This, this is what i am this is swag swag, <laughs> swag, swag nice swag. yes okay sus <laughs> <laughs> I would say, sus is like stop being stop stop acting gay no yeah sus is sus. Suspicious. suspicious you don't know it, bro. Oh, I don't. Oh, bro, Sus is stop acting gay. She does. She hasn't done research, bro. What <laughs> are you doing? But I'm really surprised that Sus is not suspicious. No, I'm telling you, bro.

भाई मैं simp. बहुत जॉबलेस हूँ भाई मेरे को और कुछ काम नहीं है मैं पूरे दिन इंटरनेट पे बैठा रहता हूँ और कुछ काम नहीं है मुझे हाँ सिम्प सिम्प आई एम अ सिम्प मैन आई एम अ सिम्प आई सी अ 10 ऑन 10 वुमन आई एम अ सिम्प आई एम अ सिम्प मतलब मतलब यार फ्लैट आउट भी नहीं आई वुड से कि मतलब ऑन ऑन माय नीज यस मैम ऑल इन यस मैम आई वुडंट माइंड यस मैम यस मैन मैन यस मैम नाइस ओके the second segment is called up close and very personal okay okay so we're going to ask you some very personal questions okay and hopefully you'll give us very personal answers okay. the first question is whose dm have you recently slid into i like i said i always like you know like mm -hmm. mm -hmm. interaction मतलब interaction with Interaction and everything i uh, mostly like women only do it Okay. So, I don't have any issues. But kisi, na kisi like when was the last time you slid into somebody's dm? Day before yesterday. <laughs> okay. Okay. Horrible. Okay. But that's the problem. She's from London. Okay. So and when you slide into her dm, yeah. what is the kind of like how do you slide? If it's not high or hey beautiful. Yeah. I think it's like uh, uh

नहीं अजीब लगता है हो जाएगी मतलब यू नीड अ गुड थिंक कि अगर कोई 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 आपका बंदा है है और <laughs> आप आप में मिल रहे <laughs> आप मिल रहे रहे हो हो या फिर दोस्त जिसके बेस्ट मैं ना सबसे ज्यादा खुश रहता हूँ जब हम किसी ग्रुप में हो पाँच छह लोग हो जो जानते हैं <laughs> और एक लड़की हो जिसको कोई नहीं जानता <laughs> 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 and the girl is like oh my god he's haan, funny fun, ha yes. nothing works for women like us, funny us point pe na aisa lag raha hai ha bhai pure din bhai ye kitni galiyan padti hai mujhe bhai main chhod raha hu comedy and that moment <laughs> this is why i do it this is why <laughs> i do it karta hu main yes haan. okay what was the last thing that you googled the last thing uh, yahan ka address <laughs> uh, you said honest bro I said you have to show us the last photo or screenshot that is saved in your gallery she's hot as <laughs> she's from london

Was the most epic thing that you've done when you were high? I'm pretty sober. मैं कुछ फूकता-फाकता नहीं हूँ, कुछ नहीं करता हूँ. But uh, I was like beaten up oh. by the same group twice. On <laughs> the same night? Yeah, on the same night. पहली बार मैं पिटा मतलब it was like कि मैं ना उस टाइम पे I was like bald. Okay. पूरा full shaved mm -hmm. off. And वो लोग आए. वो लोग ना मेरा मजाक उड़ाने लग गए. बाला, 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 बाला करने लग गए. मैं गया. हाँ तो. अकेला हूँ हाँ। और वो मैं पूरे मतलब हाँ। वो जो होता है ना वो वाला ग्रुप वुल्फ पैक बीबीए जो करने आया है कॉलेज में ठीक <laughs> है वो लोग हैं एंड वो बोलता है मैंने बोला तू बताना अपना लास्ट नेम और उसने उस चीज को वैसे ले लिया तू मेरा लास्ट नेम पे मजाक उड़ाना चाहता है क्या भाई मैं कसम से कह रहा हूँ मैं नशे में था ठीक हाँ। है मैं पाँच छः पैक डाउन था मेरे को हाँ। एक मुक्का लगा मेरी आंखें खुली मेरा पैर हेज के एक साइड पे और दूसरा गार्डन में बीच में हेज पूरी दबी हुई मैं उठाऊ मेरी ईगो हर्ट मैंने मैं पूरा कॉलेज ढूंढा और उसके बाद वो लोग फिर से मुझे मिले हाँ। वो देखते फिर से चिल्लाने लग गए अब तर में अगल नहीं गया फिर हाँ। से आ गया हाँ। मैं पूरा भिड़ गया और मैंने दे दी गाली एक हुँ, दो और फिर ना उन लोगों ने मतलब घेर वेर लिया पकड़ पकड़ लिया चांटे वांटे मार रहे थे मुझे फिर क्या हुआ मुझे पता था अब तो भाई लगने वाली है बहुत गंदी क्योंकि है? वो पांच में अकेला छह सात हो गए थे अब तक वो ठीक है तो उन लोगों ने पकड़ रखा है अब मुझे पता है कि मेरी पिटाई होनी है तो बोला हाँ साढ़े गंजे अब बोलना क्या हो गया बोलता तेरे को पता है मैं क्यों गंजा जाऊं है वो लोग सोच रहे हैं क्या हो गया <laughs> भाई मेरा दादा नहीं है। ठीक है है और मैं उनको ना वो वाली गिल्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे वो मां वाल की गाली दे दी हा, हा, भाई मेरी माँ नहीं है एंड ऑल दैट तो मैंने जब ये बोला उनसे फर्क नहीं पड़ा <laughs> उनको घंटे भर का फर्क नहीं पड़ा उनको घंटे भर का फर्क नहीं पड़ा वो बोला हाँ तो क्या अब मैं क्या करूं एक लड़का बोल रहा भाई मत मारना अबे तू चुप कर भाई मैं क्या करूं फिर नहीं है तो नहीं है तो मतलब हाँ फिर एक और दो पढ़े थे चांटे वाटे ठीक है तो इस नेक्स्ट गेम का नाम है टॉप थ्री ओके ठीक है एंड वेरी अंडरस्टैंडेबली यू टू नेम द टॉप थ्री वेज टू इम्प्रेस अ गर्ल टॉप थ्री वेज टू इम्प्रेस अ गर्ल यस फर्स्ट ऑफ ऑल बी फनी सेकंड मेक हर फील इंक्लूडेड इन द कॉन्वर्सेशन एंड थर्ड ट्राई टू ट्रैश हर एक्स एज मच एज पॉसिबल दैट शिट ऑलवेज वर्क Nice. That shit always works. Good point. Yeah. Top three gym tips for viewers. Uh, I, I will say कि मतलब अगर तुम लोग gym में कर रहे हो diet पहली चीज number diet को वो मत सोचो कि अगर मैं ज़्यादा भाग लूँगा तो फिर मैं ज़्यादा खा सकता हूँ and everything mm. you always have to watch your calories in versus calories out always keep track of that second do not think supplements are essential for your fitness journey. आप लोग सब कुछ दिमाग लगा के खरीद खराद के सब्जियों और उन सब से भी कर सकते हो चिकन एग्स एंड इन सब से भी कर सकते हो थर्ड आई वुड से लेग्स एंड कार्डियो भाई डोंट फॉरगेट लेग्स एंड कार्डियो शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई हाथ पैर फूल गए फिर hmm. एक पॉइंट के बाद लगता है समोसे के नीचे टूथपिक लगे हैं दो <laughs> वो नहीं अच्छा लगता भाई नाइस एंड वेरी ट्रू ओवरऑल आई थिंक एस्थेटिक मैटर्स

What? i've never had a jelly bean on my face oh my god it's a good joke yaar. <gasps> that was pretty dank that's, that's how you uh, creep out women <laughs> creep out women 101 be on my face be <laughs> on my face <laughs> oh my god trauma triggered <laughs> <laughs> oh, okay <laughs> nice, there nice. Right. And with that, we will take your leave. We will come back next week with a brand new guest. Until then please like share and subscribe to Men's XP.